एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मसल भी अब सो चुकी है, तो क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करें? देखो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सच में बहुत नींद आ रही है। तो फिर कल पक्का बात करेंगे। कल घर पर और कोई नहीं होगा, हम दोनों ही होंगे तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट मिस्टर कैमल। आप ठीक है ना? आई थिंक कर्टन्स बंद होने की वजह से हवा नहीं आ रही है। मिसेस फूजन भी बोर हो रही होगी। किसका आपको उसका नाम कैसे पता चला? नाम? यही जो हमारी पड़ोसी है। वो जब डॉक्टर बात कर रही थी तब सुना मैंने। खोल दूँ? बिल्कुल भी नहीं। ये पर्दा इसलिए ताकि इसे लगाया जा सके, इसलिए नहीं कि दूसरे को डिस्टर्ब करें। पसंद नहीं है ना? सच सच बोलना, मुझसे छुपाना मत। किसने कहा आपसे ऐसा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी मत बोलिए। पता नहीं, शायद मैंने गलत समझ लिया होगा। पर्दा हटाने की जिद क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच में, मुझे फ्रेश एयर चाहिए इसीलिए। दरवाजा दूसरी तरफ है, अगर पर्दा हटा भी दें तब भी उस तक हवा नहीं पहुंचेगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा, चेक करोगी? मुझे बुखार आया क्या? प्लीज चेक करो ना। नर्स को बुला देती हूँ। नहीं, वो आएंगी तब चेक कर लेगी। अभी 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 के लिए तुम चेक कर लो ना। मैं उसे बुलाती हूँ, रुकिए। नहीं, उन्हें क्यों परेशान करना, वो काम कर रही होंगी। अगर तुम्हें चेक नहीं करना तो थर्मोमीटर उस रूम में होगा, प्लीज बुला दो। मिस फूजन से पूछता हूँ। ठीक है, रुकिए रुकिए, मैं चेक करती हूँ। आपका बुखार नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा बुखार ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे ही पता चलता है, आपको नहीं है बुखार, कह रही हूं ना। हाथों से बुखार का पता कभी नहीं चल सकता। इस तरह से बुखार का पता चलता है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें लिप्स से मेरा बुखार चेक नहीं करना। रुकिए, ठीक है, मैं करती हूं। नहीं है बुखार। रेहान, आर यू श्योर? एक से थोड़ी एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है। आप बिल्कुल ठीक हैं, कहा ना, आपको बुखार नहीं है।